आज की रेसिपी बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। ये है क्विक एंड इजी पिज्जा बाइट्स। इन्हें आप बच्चों को इवनिंग स्नैक्स में सर्व कर सकते हैं या फिर कोई बच्चों की गैदरिंग हो उसमें बना सकते हैं। दीज आर वेरी क्विक एंड इजी टू मेक पार्टी स्टार्टर्स विच योर किड्स विल रियली एंजॉय। और यहाँ पे आप चीज पुल देख सकते हैं। इस चीज पुल को तो किड्स बहुत पसंद करेंगे, तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हेलो माय फूडी फ्रेंड्स, वेलकम टू कीप कुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्विक पिज्जा बाइट की रेसिपी। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे सीजन्ड बटर। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक बोल में लिया है 2 बड़े चम्मच सॉल्टेड बटर। इस बटर को हम माइक्रोवेव में 10 सेकेंड्स के लिए मेल्ट कर लेंगे। अब मेल्टेड बटर में हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच ओरिगैनो और इसे भी मिक्स कर लेंगे। हमारा सीजन बटर बिल्कुल तैयार है। ये रेसिपी है बहुत ही टेस्टी कॉम्बो गार्लिक ब्रेड और पिज्जा का। अब यहाँ पर हमने लिए हैं 4 ब्राउन ब्रेड्स। आप व्हाइट ब्रेड का भी यूज कर सकते हैं। अब एक सर्कुलर शेप की मदद से हम इसे सर्कुलर डिस्क में कट करेंगे। यहाँ पे मैं ग्लास का यूज कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं 4 ब्रेड्स को सर्कल्स में कट कर लूंगी। जो ब्रेड के साइड्स हैं उन्हें वेस्ट ना करें, उसे आप एज ब्रेड क्रम्स बना के यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ब्रेड्स को हमने सर्कुलर शेप्स में कट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे हमारा सीजन बटर। बटर की जेनरस क्वांटिटी को अप्लाई करना है। या तो आप ब्रेड के ऊपर डायरेक्टली सीजन बटर को लगा सकते हैं, या फिर दूसरे तरीके से पहले आप इंस्टेंट पिज्जा एंड पास्ता सॉस को ब्रेड के ऊपर लगाएं और फिर इसके ऊपर लगाएं हमारे बटर की जेनरस लेयर। जैसा आप पसंद करें उस अकॉर्डिंग इसकी लेयरिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर है मेरे पास मोजरेला चीज। आप प्रोसेस चीज और मोजरेला चीज दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। जेनरस क्वांटिटी आपने मोजरेला चीज की ब्रेड के ऊपर लगानी है ताकि चीज पुल अच्छा आए। अब हम इस ब्रेड को डेकोरेट करेंगे। यहाँ पे मैं ऑलिव के स्लाइसेस से इन्हें डेकोरेट कर रही हूँ। बच्चों को शेप्स और डिजाइंस, कलर्स और पैटर्न्स बहुत पसंद आते हैं, तो जो भी आपकी मनचाही शेप हो, जो भी आपके बच्चे पसंद करते हो, उस तरीके से इसे डेकोरेट कर लें। तो यहाँ पे मैं आईज, नोज, मुस्टैच का पैटर्न बना रही हूँ। बहुत ही कलरफुल होगा तो बच्चों को ये बहुत ही अपीलिंग लगेगा। बिल्कुल कुछ इस तरीके से हमने अपनी ब्रेड तैयार कर ली है। और यहाँ पे मैंने लिया है एक बेकिंग ट्रे। इसे मैंने बटर से हल्का सा ग्रीस कर लिया है। चारों ही ब्रेड्स को हम इस पे प्लेस कर देंगे और अब हम इसे बेक करेंगे एक प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्रीज पर 8 मिनट्स के लिए, या जब तक कि इसकी क्रस्ट अच्छी ब्राउन नहीं हो जाती। तो हमारी क्विक पिज्जा बाइट्स बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया लग रही है। ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर का क्रस्ट आया है। आप चाहें तो इन्हें कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। अब हम इन्हें तुरंत ही गर्मा गर्म सर्व करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा कलरफुल और अपीलिंग है ये बच्चों के लिए। बहुत ही आसान है इन्हें बनाना, बहुत ही झटपट से बनके तैयार हो जाती हैं। और आप देख सकते हैं पीछे से इनकी सिकाई कितनी बढ़िया आई है, कितना बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर का क्रस्ट हुआ है। और अब हम देखते हैं इसका बहुत ही बढ़िया पार्ट, यानी कि चीज पुल। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया चीज पुल आया है। बच्चों को ये काफी अपील करता है, तो आप भी इन्हें बच्चों की पार्टीज में बनाएं, सर्व करें और अपना फीडबैक हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।